खाद्य सुरक्षा विधेयक पर राजनीति ने जोर पकड़ा। भाजपा रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर कार्रवाई के बाद ही बिल पास कराने के पक्ष में। कांग्रेस ने भाजपा पर खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अड़ंगा लगाने का लगाया आरोप, कहा गरीबों के हितों पर हो रहा है कुठाराघात। संसद के दोनों सदनों में आज कार्रवाई फिर प्रभावित। विपक्ष के हंगामे के कारण जहां दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, वहीं बार बार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को करना पड़ा स्थगित। संसद में लगातार जारी गतिरोध और सरकार के खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने संबंधी प्रयासों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर गरीब विरोधी रुख अपनाने का लगाया आरोप। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने आज देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। रेल रिश्वतखोरी मामले के चार आरोपी विवेक कुमार, धर्मेंद्र, राहुल यादव और समीर संधीर को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। देश भर के करीब 3500 ट्रैवल एजेंटों ने आज अपना कामकाज रखा बंद। ट्रैवल एजेंट कमीशन बंद करने के एयरलाइंस के फैसले का कर रहे हैं विरोध। यही नहीं, एजेंट्स एयरलाइंस से ज्यादा कमीशन की भी मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आज अवमानना के आरोप में फैजाबाद मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन शैलेंद्र कुमार सिंह को जेल भेजा। प्रमुख सचिव गृह को हिरासत में लेने का दिया आदेश। अदालत ने अधिकारियों को पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को वाई श्रेणी की सुरक्षा न प्रदान किए जाने पर यह फैसला सुनाया। शेयर बाजार में देखने को मिला जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स 313 अंकों के उछाल के साथ 19,889 पर पहुंचा। निफ्टी भी 73 अंक की मजबूती के साथ 6,044 पर हुआ बंद। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सनाउल्लाह के परिजन उनका हालचाल जानने के लिए वाघा बॉर्डर से भारत पहुंचे। भाई ने कहा वे मानवता के आधार पर भारत से अपील करते हैं कि सनाउल्लाह को रिहा कर दिया जाए। बिहार के भागलपुर सेंट जोसेफ स्कूल से संसद देखने आए छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार से की मुलाकात। छात्रों और लोकसभा अध्यक्ष के बीच करीब आधे घंटे तक चले संवाद में छात्रों ने पूछे कई सवाल। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब नए विवाद में फंसे। माही के खिलाफ एक हिंदू भगवान का अपमान करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला बेंगलोर में दर्ज कराया गया है। स्पेन के निकोलस अल्मागरो ने आसान जीत के साथ मैड्रिड ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर में अल्मागरो ने जर्मन खिलाड़ी टॉबियास काम्पके को सीधे सेटों में हराने में सफलता पाई। वहीं जापान के केई निशिकोरी ने ऑस्ट्रिया के यर्गन मेल्जर को हराकर पहले दौर की बाधा पार की।